हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ की, और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच यूनियन मिनिस्टर चेयर्स जोनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, जोनल कॉन्फ्रेंस को चेयर कौन करेगा, जिसमें बात होगी वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट की, जिसमें मिनिस्ट्री स्कीम की बात की जाएगी। तो ये बेंगलुरु में होने वाला है, कौन करने वाला है इसे? अमित शाह चेयर करेंगे, निर्मला सीतारामन चेयर करेंगी, या राजनाथ सिंह, या स्मृति ईरानी? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्मृति ईरानी। ऐसा ही मत समझ लेना, स्मृति ईरानी जो है इस बैठक को क्या करेगी, चेयर पर्सन होगी। यहाँ पे यहाँ से इमेज भी देख सकते हो, स्मृति ईरानी चेयर्स जोनल कॉन्फ्रेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम आपको पता होना चाहिए कौन है, नीचे कमेंट करके बताइएगा आप। उन्होंने कितने रुपए खर्च करे हैं, किस पे खर्च करे हैं? देखिए, इक्विपमेंट एथलीट्स वगैरह के लिए जो है खर्च किया है, जो भी कॉमनवेल्थ और एशियन गेम आने वाले हैं उस पे कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 130 करोड़, 110, 150 या 190? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से आप देख पाओगे 190 करोड़, और यहाँ से देख लीजिए अनुराग सिंह ठाकुर इनका नाम है, अनुराग ठाकुर के नाम से आप जानते हो। ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, ब्रॉडकास्टिंग और इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, याद रखिएगा इस बात को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच बैंक, जिसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, जो कि स्पेशल बेनिफिट देंगे CAPSF स्कीम के द्वारा, तो बताना आपको उस बैंक का नाम। बैंक ऑफ बड़ौदा, कोडेक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा SBI, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, आपको बस ये बताना है अप्रैल के अंत में भारतीय प्रधानमंत्री के साथ मिलेंगे, और भारत आने वाले प्रधानमंत्री होंगे, किस देश के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या UK? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। एक और मैं बात काम की बात बताता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर अब नहीं रहे, ये हट चुके हैं, लेकिन उस समय ये यहाँ आने वाले थे, जिनका नाम है बोरिस जॉनसन। और ये एक फ़ोटो आप यहाँ से देख लो, JCB जो कंपनी है ना, आप लोगों ने हज़ारों बार खड़े होकर JCB की खुदाई देखी होगी, तो JCB UK की कंपनी है, और इनकी एक फ़ोटो बहुत वायरल गई थी। यहाँ से आप इस फोटो को फिर से देख लीजिए, और यहाँ से आप बोरिस जॉनसन की फ़ोटो देख पाओगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आप आर्मी स्कूल के आखिरी जो बचे हुए 30-35 दिन बचे हुए ना, 30-35 डेज, इनमें अगर आप आर्मी स्कूल की तैयारी करना चाहते हो, तो मेरे हैंड रिटन नोट्स 499 में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। फर्स्टली, सेकेंडली, आर्मी स्कूल मैंने 3 times क्वालिफाई कर रखा है, तो उसका बेनिफिट आपको इस नोट्स में मिल जाएगा। दूसरी बात, 100 rupees में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और ये जो 499 है ना, अगर आप ये लेते हो तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा, और जो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं 100 rupees में ले सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsingh। सूचना समाप्त। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको उस कंट्री के PM का नाम बताना है, जिनका नाम, देखिए उनका नाम है विक्टर ऑर्बन, जिन्होंने आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल जो है विक्ट्री जो है हासिल करी है, और वो भी कितने टर्म के लिए, देख लीजिए यहाँ पे 4th term के लिए। वो कंट्री, किस कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, सूडान, ब्राज़ील, हंगरी या नॉर्वे? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से देख लीजिए, हंगरी के ये PM हैं, जो कि लगातार 4th term तक बनने वाले हैं। एक और बात, ब्राज़ील यहाँ पे गलत लिखा हुआ है हिंदी में, आप उसे जो है इधर से कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच कंट्री इंड्स स्टेट ऑफ डिजास्टर आफ्टर मोर देन 2 years? ये साउथ अफ्रीका किधर है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। साउथ अफ्रीका में ना 2 साल लगातार इमरजेंसी लगा कर रखी गई थी डिजास्टर, और उसके बाद उसको क्या कर लिया गया है, हटा लिया गया है। तो ये बड़ी न्यूज़ है, साउथ अफ्रीका ने कोविड को लेकर ये चीज़ें की थी, और यहाँ से आप उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनको आप देख सकते हैं, रामाफोसा इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इमरान खान, देखिए इमरान खान की सरकार चली गई, पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर ना 5 साल तक गद्दी पे नहीं बैठा है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन के रह पाया है, कभी 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 भी उसने अपने टर्म को पूरा नहीं किया है। अभी आपने हंगरी का एग्जांपल देखा, जिन्होंने 4th term के लिए जो है इलेक्शन जीत लिया है। तो एक यहाँ है पाकिस्तान, जहाँ पे एक भी टर्म कोई कंप्लीट नहीं कर पाता है। इमरान खान करने वाले थे सबसे लंबे
जो टेन्योर था इनका, इन्हीं का था, और इनकी भी सरकार चली गई बिकॉज ऑफ ये जो मेजोरिटी है ये प्रूव नहीं कर पाए। तो इमरान खान ने प्रधानमंत्री के लिए, एक्चुअली ये थोड़े दिन के लिए ही रहेंगे, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नॉमिनेट किया है। वो कौन थे? तो देखिए यहाँ से इसका जो राइट आंसर है ये देख सकते हो, गुलजार अहमद। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। गुलजार अहमद कुछ दिन के लिए रहेंगे, और अभी की करेंट सिनेरियो में अगर बात की जाए ना, तो अभी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है नीचे कमेंट करके बताइएगा। शरीफ उनका टाइटल है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्रीज ऑपोजिशन रिजेक्ट प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सेस ऑफर फॉर यूनाइटी, जो देखिए ये यूनाइट गवर्नमेंट तैयार करने वाले थे राजपक्षे, तो इनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो देखिए ये कहाँ के हैं, आपको पता ही होगा ये श्रीलंका के हैं। ये जो राजपक्षे फैमिली है, देख लो ये राजपक्षे फैमिली जो है ना, इसने पूरे श्रीलंका को बर्बादी की तरफ जो है मोड़ दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेटरन मलयालम एक्टर, देखिए क्वेश्चन यही आएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि ये 77 ईयर्स में, एक्चुअली इसका राइट आंसर 77 है, 77 ईयर्स में ये जो है इनकी डेथ हो गई थी। और इनका नाम जो था केनाकारी धन्यवाद राज था, याद रखिएगा इसको। और ये देखो यहाँ पे गूगल ट्रांसलेशन की थैंक राज लिख दिया गया, खैर ये गलत है। और यहाँ से आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हो। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि हाल में जिनका निधन हुआ है उनका नाम आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री नेम्स फॉर्मर एफएक्स इंचार्ज एज अ न्यू सेंट्रल बैंक गवर्नर, किसको बनाया गया है? तो यहां से आप देख पाओगे श्रीलंका में ये बनाया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और फाइनली द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी आ चुकी है। पेन पेपर पे इसे नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात आप लोगों को शेयर करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको एक वीडियो मिलेगी टॉप 50 की, वो जरूर देख लेना। एग्जाम के लिए मैं इस तरह के 5 से 6 वीडियो बना दूंगा, ताकि आपके करंट अफेयर्स ना कम समय में आप कंप्लीट कर पाओ। 180 वीडियोज तो आएगी ही, एग्जाम से पहले इन जो टॉप 50 वाले वीडियोज है ना, इसे 5-6 बार जरूर देख लेना। सारा करंट अफेयर्स में जो है लगभग 5-6 नंबर तो आपका यहीं से आ जाएगा। तो फिलहाल पढ़ते हैं द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो इनका नाम है विनय मोहन कवात्रा, ये याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। HDFC बैंक एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी मर्ज्ड? HDFC लिमिटेड को मर्ज कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अ लॉन्च अ सुपर ऐप इन इंडिया ऑन अप्रैल 7? तो देखिए टाटा ने जो है जारी कर दिया है ताकि ये सुपर ऐप बनाएंगे, जिसमें शॉपिंग भी कर सकते हो, बहुत तरह की सर्विसेज आपको यहाँ पे मिलेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, घंटी का बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद आप सभी का।